वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोन में दिए गए कॉलर आईडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके फ़ोन पे कोई भी अनजान नंबर आता है तो आपको ट्रू कॉलर डाउनलोड करना पड़ता है और उससे चेक करना पड़ता है कि कैसा नंबर है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे पता कर सकते हैं कि किसका नंबर है और कहाँ का है। तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कॉलर आईडी होता क्या है। तो कॉलर आईडी ऐसा फंक्शन है एक फ़ोन का, जिससे अगर आपको कोई भी अनजान नंबर से कॉल आता है तो आपको कॉल का, जब आप कॉल आता है तो उसी पे आपको उसका नंबर शो हो जाएगा और उसका नाम भी शो हो जाएगा और उसका जो स्टेट होता है, किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, वो भी आपको वहीं पर शो हो जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि किसका कॉल है और कहाँ से है, आप पूरा पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको बताऊंगा कि ये डायलर जो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस थ्री बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थ्री बार के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी फ़ोन, आइडेंटिफाई फ़ोन नंबर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर कॉलर आईडी का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपका ये ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे इसका अबाउट दिस फीचर का पे के ऑप्शन पे जाके आप इसका फीचर देख सकते हैं, कैसे यूज करना है, सब कुछ यहाँ से आप पढ़कर पता कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट फ्रॉड, इसका मतलब अगर कोई भी आपको फेक नंबर से कॉल आता है, जैसे आप देखते होंगे कई बार आपके फ़ोन पे स्टार्टिंग में 52 12 ऐसे करके बहुत सारे कॉल आते हैं और जब आप कॉल को रिसीव करते हैं तो कॉल कट हो जाता है। आप भी सोचते होंगे कि कैसा कॉल था कि जब मैंने रिसीव किया और कट जा रहा था, तो आपको भी एक अंदर से जो डर लगता होगा कि हो सकता है फ्रॉड कॉल है जो आपके डाटा को लीक करे या कुछ भी आपका चोरी कर सके। तो ऐसे यहाँ पे इसका फंक्शन दिया गया है कि आप इन सभी कॉलों से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे सब कॉल से आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा +91 और 22500449 09। ये नंबर से जब मैं कॉल आया तो जब मैंने ये कॉल रिसीव किया तो ये कॉल तुरंत कट हो गया। तो अब ऐसे नंबर से अगर आपको काम मतलब कॉल आता है तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे ज़्यादा देर तक आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फ्लैग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पैम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको क्लिक करना है। मतलब यहाँ से आप स्पैम देख सकते हैं, कौन सा स्पैम, सेल्फ एजेंट डिलीवरी स्कैम, अगर स्कैम के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग अगर जब एक ही साथ स्कैम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट करेंगे इस नंबर को, तो अगर कंपनी के पास इसका रिपोर्ट जाएगा तो अगर ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट होगी तो कंपनी भी सोचेगी कि हाँ सच में ये फ्रॉड नंबर है, तो उसको कॉल आने से बैन कर देगी और आपके फ़ोन पर कभी ऐसा कॉल नहीं आएगा। तो अगर आपको कभी भी फेक कॉल होता है तो आप उसको जाके वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट करना जरूरी भी है ताकि किसी को ऐसे प्रॉब्लम ना हो। हो सकता है कभी आप ही के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका बैंक डिटेल्स लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ऐसे कॉल्स को ना ही कभी रिसीव करना चाहिए, बल्कि जब ऐसा कॉल आता है तो आपको कॉल कट कर देना है। कट करने के बाद आपको स्पैम कर देना है उसको। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही नॉलेज देना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।